आप सभी का स्वागत है। हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के निम्मी के क्वेश्चन बैंक के दो पार्ट अपलोड कर दिए हैं। उन दोनों पार्टों में हमने टोटल मिला के 28 क्वेश्चंस हल किए हैं। नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो में मिलेगा, ये है हमारी निम्मी क्वेश्चन बैंक का तीसरा पार्ट। तो इसमें हम 15 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस गेज, यानी कि आपको जो ये गेज दे रखा है इसका क्या उपयोग है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन दे रखे हैं, जोब की आंतरिक त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, बेलनाकार जोब का व्यास जांचना हो, जोब की ऊंचाई और समांतरता की जांच करनी हो, या जोब को मशीनों में डेटम के समांतर रखना हो, तो किसके लिए इसका यूज करते हैं। तो ये जो आपको दे रखा है चित्र में, इसे थ्रेड गेज या फिर स्क्रू पिच गेज के नाम से जाना जाता है। थ्रेड गेज भी कहते हैं और इसे स्क्रू पिच गेज के नाम से भी जाना जाता है। और इसका काम होता है जोब की आंतरिक त्रिज्या की जांच करना। ये भी रेडियस गेज और फिलर गेज जो आपने पढ़ा है उनके समान ही होता है। मुख्यतः रेडियस गेज, प्रोफाइल गेज, ड्रिल गेज, थ्रेड गेज, एंगल गेज, फिलर गेज, इस प्रकार के गेज होते हैं। आपके 10 प्रकार के गेज दे रखे हैं, उनमें से जो थ्रेड गेज या फिर इसको दूसरे नाम से जानते हैं स्क्रू पिच गेज, इसका उपयोग किया जाता है जोब की आंतरिक त्रिज्या, अंतर की जो रेडियस ज्ञात करनी होती है उसके लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको जो ये फाइल दे रखी है यानी कि रेती दे रखी है, इस रेती का नाम क्या है, ये पूछा है। तो इस रेती का नाम क्या है, तो ऑप्शन आपको दे रखा है, राष्प कट रेती, एकल कट रेती, दोहरी कट रेती, वक्राकार कट रेती। तो रेतियों के बारे में छोटा सा विवरण ये होता है कि रेतियों को तीन वर्गों के आधार पर बांटते हैं। आकृति के आधार पर, दांतों की ग्रेड के आधार पर और दांतों की कटिंग के आधार पर। आकृति के आधार पर देखा जाए तो रेतियाँ 8 प्रकार की होती है, फ्लेट रेती, हस्त रेती यानी किसे कहते हैं हैंड फाइल, मिल रेती, मिल फाइल, त्रिभुजाकार रेती, वर्गाकार रेती, गोल रेती और अर्ध गोल रेती, नाइफ एज रेती, और दांतों की कटिंग के आधार पर सिंगल कट रेती और डबल कट रेती, राष्प कट रेती, वृत्ताकार कट रेती, स्पाइरल कट रेती। यानी कि ये जो आपको ऑप्शन दे रखा है ये है दांतों की कटिंग के आधार पर। तो दांतों की कटिंग के आधार पर 5 प्रकार की रेतियाँ होती है। पहली होती है सिंगल कट रेती, इसमें रेती होती है इस प्रकार की, आपको एक रेती दे रखी होती है इस प्रकार की मान लीजिए, और एक कट, एक साइड से कट लगाई होती है, तिरछी लाइनें खींची होती है, उसे एकल कट रेती कहते हैं। और एकल कट रेती, फिर आती है डबल कट रेती। तो डबल कट रेती में क्या होता है, रेती तो उसी प्रकार की होती है पर इसमें डबल कट होते हैं इस प्रकार से, फिर इधर से भी यानी कि डब्बे के आकार की तरह डबल कट रेती होती है। फिर आती है राष्प कट रेती। तो राष्प कट रेती ये दे रखी है, ये राष्प कट रेती है, ऐसे होती है, खुरदरी टाइप की राष्प कट रेती होती है। और फिर होती है वक्राकार रेती, उसमें ऐसे गोल गोल होती है काटने के लिए। तो ये 5 प्रकार की होती है। तो ये आपका आंसर है राष्प कट रेती, क्योंकि इसमें ऐसे खुरदरी टाइप के होते हैं, इसे राष्प कट रेती कहते हैं। ऑप्शन आपका ए सही आंसर है। अगला, इस औजार का क्या नाम है। तो ये आपको औजार दे रखा है, इसका क्या नाम है, तो इसको आपको इसकी टांगे देखनी है, यानी कि ये जो बना हुआ है इससे, इसकी आप, ये आपके ऐसे बना हुआ है और अंदर की तरफ इसकी टांगे हैं, तो आपको टांगे देखनी है। यदि टांगे अंदर की तरफ हो तो उसे आउटसाइड कैलिपर बोलते हैं, और टांगे आपकी यदि बाहर की तरफ हो तो इसे इनसाइड कैलिपर बोलते हैं। तो इसकी आपको ध्यान से टांगे देखेंगे तो इसकी जो ये पैर बने हुए हैं ये बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ पैर है, तो आपको इसको नाम देना है इनसाइड कैलिपर। ये आपके ऑप्शन देख लीजिए, डिवाइडर, आंतरिक कैलिपर यानी कि इनसाइड कैलिपर, विषम लेग कैलिपर, ओड लेग कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर। तो इसका आंसर होगा बी, इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर होता है जिसकी टांगे
बाहर की तरफ हो। नाम इनसाइड है पर उसके पैर बाहर होंगे, और यदि पैर अंदर की तरफ हो उसकी तो उसका नाम होता आउटसाइड कैलिपर। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण होता है? तो लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष होता है उसका क्या कारण है? तो ऑप्शन दे रखा है, दोषपूर्ण भंडारण, असमान सिकुड़ना, गलत सीजनिंग और शाखाओं की वृद्धि में अनियमित। तो इसका आंसर होता है असमान सिकुड़ना लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का कारण होता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लकड़ी में जो आपका होता है गांठ दोष होता है ना, गांठ दोष, उसका क्या कारण है? तो उसका कारण होता है शाखाओं में वृद्धि, शाखाओं में जो वृद्धि होती है उसे गांठ दोष होता है, और असमान सिकुड़ने से उसमें होता है ट्विस्टिंग दोष। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मोर्टाइज छेनी का क्या उपयोग है? तो मोर्टाइज छेनी का क्या उपयोग है, इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं, लकड़ी में सामान्य छेनीकरण, लकड़ी में आयताकार छेद करना, लकड़ी को छीलना और फिनिश देना, लकड़ी में हल्का छेनीकरण व तेज किनारों की सफाई। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आंसर, लकड़ी में यदि आपको आयताकार, आयत की तरह रेक्टेंगुलर छेद करना है, होल करना है, तो आपका आपके लिए ये छेनी होगी मोर्टाइज छेनी। शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है? तो आपको तेज मोड़ों के लिए हैचेट स्टेक का प्रयोग किया जाता है। यदि शीट मेटल है उसकी तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक यूज किया जाता है? तो हैचेट स्टेक इसका आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन है कि किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है? तो किस प्रकार की ठंडी छेनी का यूज किया जाएगा कोल्ड चिजल का, कि उसके किनारों पर पदार्थ को वर्गाकार करने के लिए, यानी कि उपयोग किनारों पर पदार्थ है ना उसको वर्गाकार करने के लिए, स्क्वायर के रूप में करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हीरा पॉइंट छेनी होती है, हीरा पॉइंट छेनी, इसका उपयोग किनारों पर वर्गाकार कट के लिए किया जाता है। किस प्रकार की कैलिपर का उपयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो पदार्थ के बाहरी सिरों पर यदि आपको सिरों पर समांतर रेखाएं खींचनी है तो जेनी कैलिपर का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है, जेनी कैलिपर। इस ड्रिल बिट का क्या नाम है? तो आपको एक ड्रिल बिट दे रखा है, इसका नाम पूछा है क्या नाम है। ऑप्शन है फ्लेट ड्रिल बिट, टेपर सेंक बिट और काउंटर सिंक बिट और स्ट्रेट सेंक बिट। तो आपका आंसर रहेगा टेपर सेंक बिट का, जो आपको ये चित्र दे रखा है ये टेपर सेंक बिट का है। आपको एक बार ये करना है कि दूसरे तीसरे और चौथे पार्ट में जितने भी आपके चित्र बने हुए हैं, जितने भी, आप उन चित्रों को देख लीजिए और उनके नाम याद कर लीजिए। एग्जाम में आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा कि ये चित्र क्या नाम है इसका या फिर इसका क्या उपयोग है। तो एक बार आप उन्हें ज़रूर पढ़ लीजिए ताकि आपके क्वेश्चन सही होने के चांस हो। शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है? तो शीट मेटल में किस प्रकार का यूज किया जाता है? तो वर्गाकार, शीट मेटल में सामान्य उपयोग के लिए वर्गाकार यूज किया जाता है, वर्गाकार स्टेक का यूज किया जाता है। और इसी का एक क्वेश्चन अभी आया था कि शीट मेटल के लिए अभी एक क्वेश्चन आया था कि किस प्रकार की छेनी का उपयोग वर्गाकार हेतु किया जाता है। तो ये क्वेश्चन है कि शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो तेज मोड़ों के लिए आपके हैचेट स्टेक का प्रयोग किया जाता है। और यही आपके आगे क्वेश्चन आया है कि शीट मेटल में सामान्य उपयोग के लिए किसका यूज किया जाता है? तो सामान्य उपयोग के लिए वर्गाकार स्टेक का यूज किया जाता है। आपको दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है थ्रेड गेज का कि आईएसओ मेट्रिक फाइन थ्रेड में
M12 × 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है? तो आपको एक मान दे रखा है M12 × 1.25 में, ये क्या इंगित करता है? तो ये थ्रेड का पिच है, थ्रेड का पिच होता है ना, उस ये इंगित कर रहा है। लकड़ी में अनियमित शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? तो गांठ दोष, नॉट या फिर गांठ दोष उत्पन्न हो जाता है आपका। 12वीं का ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। और यदि आपके पूछे, इसी का भी एक क्वेश्चन आया था कि लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है? तो ट्विस्टिंग दोष का कारण होता है असमान सिकुड़ना, और गांठ दोष का कारण होता है शाखाओं में वृद्धि। एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? तो टेनन आरी है आपके, टेनसा है, उसके दांतों को करना है, शार्प करना है, तो उसके लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है, किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए आंसर है त्रिभुजाकार रेती, यानी कि ट्राइंगुलर फाइल होती है, उसका यूज करके हम टेनन्सा की दांतों को इस शार्प कर सकते हैं, या शार्पनिंग के लिए काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक्स इंगित रेती के नाम को बताइए। तो जो एक्स नाम लिखा है इसे क्या कहते हैं? तो फाइल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फाइल के लिए ये होता है ना इधर, इसे कहते हैं टिप या पॉइंट। और ये जो होती है यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसे कहते हैं लंबाई, फाइल की लंबाई एल से दर्शाते हैं। ये जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं टेन। एक्स भाग से जो लिखा हुआ है उसे कहते हैं हिल, एक्स भाग से लिखा है उसे कहते हैं हिल। ये होता है इसका हैंडल। और ये जो होता है इस प्रकार से, इसे शोल्डर कहते हैं। और यहाँ जो साइड में होती है उसे एज कहते हैं, एज लिखा हुआ है आप देख लीजिए। और ये जो होता है फाइल का, ये होता है फेस। तो ये फाइल के नाम है, एक्स नाम से जो लिखा हुआ है उसे हिल कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि इस औजार का क्या नाम है? तो आपको एक औजार दे रखा है, इसका नाम आप बुक खोल के जरूर देखना। ये आपका जो, इसका चित्र साफ नहीं दिखाई दे रहा है, बुक से देख लेना। ये आपका जेनी कैलिपर दे रखा है, जेनी कैलिपर होता है ये है, और जेनी कैलिपर का चित्र पूछा है। तो आप सारे दूसरे और तीसरे चौथे पार्ट में जितने भी चित्र हैं उनके नाम जरूर याद कर लेना। बस आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, और नेक्स्ट हम कल करेंगे।